हे दोस्तों, कैसे हो सभी? और आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आज की इस हमारी वीडियो में। तो आज हम आपको लेके आए हैं हैंडमेड क्राफ्ट मेले के अंदर, जो कि लगा है आपका कनॉट प्लेस के अंदर और जो कि लोकेशन है मेरे जस्ट पीछे। और ये मंदिर के ना एक हॉल में लगा हुआ है, तो उसकी फ्री एंट्री है। हाथ से बनी हुई जो भी चीज़ें वो यहाँ दिखाई जाती हैं और बहुत सारे शॉप्स हैं जो कि मैं कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आप चैनल पर ऐसी प्यार देते रहिए और मैं भी आपको ऐसे घूमने फिरने की जगहों के बारे में बताता रहूँगा। मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं विजिट यू। यह है कालीबारी मंदिर का एंट्रेंस, जहां से आप इस मेले की एंट्री करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम कोई चार्जेस नहीं है। ये जो पार्किंग है ये भी आपकी एकदम निशुल्क है, फ्री है। यहां पे अपना टू व्हीलर और वहां अपना फोर व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। आइए, 25 तारीख तक लगा है ये मेला। तो सबसे पहले दुकान ये है, आप देख सकते हैं इधर आके, और यहाँ के हम रेट वगैरह आपको पूछ के बताते हैं एक बार। सबसे पहले हम इस शॉप पर जाते हैं, तो आप ये देख सकते हैं बहुत सारे कुशन्स वगैरह हैं। भैया से अगर पूछते हैं, ये 200 का है, ये 250 का है, ये 500 का है, 500 का है, ये 300 का है। ओके, इस तरीके बैग ये 400। ये बैग सारे हाथ से बनाए हुए हैं ना? हाँ, ये हाथ का बना है। तो ऐसा तो नहीं मोती वगैरह निकलने के कोई चांसेस होंगे? ये निकलेंगे नहीं? अच्छा, ये भैया का कार्ड है, अगर आपको कुछ भी शॉपिंग वगैरह इनसे बात करनी है तो इस नंबर पर कॉल करके आप इनसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, थोड़ा इस पहले इस शॉप के बारे में बात करते हैं। मैम बताएंगे, मैम कुछ यूनिक आइटम दिखाइए जो कि मतलब हैंडमेड हो, जो कि अच्छा भी लगे लोगों को। ये तो सारे यूनिक ही है, क्योंकि ये सारे चीज़ हम अपना घर पे खुद ही बनाते हैं। ये सारे आप अपना घर पे बनाते हैं? क्या प्राइस रहेगा एक्चुअली इसका? एक प्राइस 20 रुपीज़ का। ये 20 रुपये का? हाँ, है 20 रुपये। ओके, और ये बैग कैसे दिया आपने? ये प्राइस जो है ये 150 का है। ये 150 का बैग है? ये खराब वगैरह होने का तो नहीं रहता ना? पॉसिबल है सारे। इन केस अगर ये मेला अगर ख़त्म हो जाता है तो अगर आपको कांटेक्ट करना हो या कोई कार्ड हो, कैसे हो, या कोई दिल्ली में शॉप हो जिससे जहाँ से आपके ले सकते हैं हमारे पास। यहाँ पे और कुछ बैग हैं, आप देख सकते हैं इधर, मतलब टिफिन ले जाने के लिए, ऑफिस के लिए, इस तरीके के बैग हैं। अब हम आए हैं कालीन, जो कि आपने मिर्ज़ापुर मूवी देखी होगी उस हिसाब से जो कालीन भैया थे, भैया बताएंगे। भदोही की कालीन है? भदोही की कालीन है। ये जूट से बना है, ऊन से बना है, जूट की बनाई हुई कारपेट यहाँ भदोही से ले आए, और बहुत अच्छे और बहुत सस्ते चीप रेट में दे। और ये सारा आप लोग हाथ से बनाते हैं? हाथ से बनाते हैं। और इसका क्या प्राइस है? प्राइस एक आइडिया, कम से कम 2500 से लेकर 10000 तक का कालीन बना है। 2500 से लेकर 10000 तक का पूरा जूट मटेरियल से बना है, जूट से। अगर इन केस अगर ये मेला खत्म हो गया तो आपसे कैसे, अगर किसी को बात करनी हो लेना हो उसके बाद, तो कैसे लिया जाएगा? आप एड्रेस लीजिए घर से। आप कोई कार्ड है कुछ ऐसे है? कार्ड तो अभी साथ में नहीं है। साथ में नहीं है, जब तक मेला में है माल आपको चीप रेट से मिल जाएगा। अच्छा, मेले के बाद ये थोड़ा महंगा मिल सकता है? हाँ, महंगा मिलेगा आपको, कम लगेज खर्चा लग जाएगा, वहाँ से आने में खर्चा है, यहाँ तो आपको सस्ता। अच्छा, यहाँ हम लोग कारीगर आदमी है, आपको यहाँ कम से कम रेट दिया जाएगा, कम से कम रेट मिलेगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कालीन है 2500 से लेकर 10000 रुपये तक, हैंडमेड है सारी की सारी। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे चीप प्राइस पे मिल रहा है आपको, अगर आप वैसे लोगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो आप यहाँ पे आके मेले में 25 तारीख तक ले सकते हैं। ये था सारा कालीन, और अब यहाँ देखते हैं कुछ पायदान जो कि हैंडमेड है, देख सकते हैं। ये झूले हैं छोटे मोटे। तो भैया, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत बताइए, क्या प्राइस है, किस हिसाब से मिल रहा है, आपकी दिल्ली में शॉप है नहीं है, वो सारी चीज़ें बताओ एक बार। मैं एक्चुअल में कलकत्ता से मैं आया यहाँ पर एग्जीबिशन में, ये नेशनल झूल बोर्ड का 10 स्टॉल है, हम लोग का बुलाया, हम लोग का आ गया। यहाँ पर झूठ का हम लोग का कोई होलसेलर नहीं होता है, पहले होता था, कोरोना के लिए थोड़ा बंद हो गया था। अच्छा, अभी हम लोग का निर्भर है पूरा यही कोई मेले के लिए, कोई मेले होगा तो कुछ सेल होगा, सेल का बाद में हम लोग का लेबर की दे सकता हूँ, हम लोग के खाना भी खा सकता हूँ, इतना आदमी हम लोग का कम कर रहा है। अच्छा, जब ही आएंगे, जब कोई मेला वगैरह लगेगा? मेले लगेगा। अच्छा, तो ये सारा हाथों से बनाया हुआ है आपने ना? हाथ से बनता है। तो इसका एक बार प्राइस बताओ, ये क्या है और इसके बारे में? पोस्टर है,
क्या है? ए है चाय कप का रखने के लिए। अच्छा, चाय कप रखने के लिए, गर्म चीज रखने के लिए। ए है आपको डाइनिंग टेबल का मैट है, ये डाइनिंग टेबल। इसमें आपको डिश डिश कुछ गर्म सामान रखने के लिए, ऐसे ग्लास का ऊपर में रखेगा तो उसको दाग आ जाता है। अच्छा, ऊपर में रखेगा तो दाग नहीं आएगा, दाग नहीं आएगा। वॉशेबल भी है, वॉशेबल भी है, साबुन पानी में वॉश करते हैं। खराब वगैरह होने के कैसे रहता है? 100% झूठ है। अच्छा, झूठ है, पूरा का पूरा झूठ है। ये झूठ आपको बनता है एक पेड़, छोटा छोटा पेड़ होता है, पेड़ भिगा के 40 दिन उसको भिगा रखता हूँ। उसके बाद में छीला निकाल के इसको चोटी बनाता हूँ। चोटी बना के इसको लेडीज वाला जो टीचिंग करते हैं, ओके, पूरे इसको अंदर में सब टीचिंग है। बिल्कुल, लैलन का रस्सी सब है। इसमें टायर का रस्सी बोलते हैं। अच्छा, लैलन का रस्सी है, कोई इसको दिक्कत नहीं है। जैसे भी आपको वॉश करिए। क्या प्राइस है इसका, एक बार दोनों तीनों चीजों का प्राइस बताओ। ये है आपको 120 का है, ये 120 का है, ये आएगा आपको 15 रुपया का है, ये 15 का है बस। ये आएगा आपको 40 रुपये का है, ये 40 का है, ये आएगा आपको 100 रुपये का है, ये 100 रुपये का। अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग सामान रेट का है। अच्छा, ये आपको 250 वाला का है, ये 250 वाला है। ये बैठने के लिए होगा ना, बैठने के लिए, वॉल के लिए, डाइनिंग टेबल के ऊपर रखने के लिए। अच्छा, ये झूले का प्राइस क्या है? झूले का रेट है आपको कम से कम 400 रुपये से शुरू होता है। कितने? 400। हाँ, 400 रुपये से शुरू होता है ये वाला छोटे वाला। हाँ, 400 से शुरू होता है, 2500 तक। अच्छा, ये 950 का, ये 950 का है। सारा हैंडमेड है, ये सब हैंडमेड, पूरा हाथ से। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं बॉडी, मतलब कितने किलो का आदमी बैठेगा? तो 50 केजी का है, 90 केजी का है, 70 केजी। अच्छा, नॉर्मल एवरेज वेट के लोग इस पे बैठ सकते हैं आराम से। चप्पलों का जूट स्लीपर है, जूट स्लीपर, फुट वायर बोलते हैं जूट का, जैसे लेदर का है, एक जूट का ऊपर में, ये जूट के ऊपर एक्चुअल का है। इसमें पूरे इसका अंदर पूरा जूट का है, जूट और कॉटन मिक्स्ड है। पहले 100% जूट बोलते हैं इसको, ये 100% झूठ है। 100% झूठ आएगा तो पूरा गर्मी का टाइम में चलता नहीं है, ठंडी का मौसम में चलता है, ओनली फॉर ठंड का। अच्छा, यानी पैर में आपको गर्मी आएगा। ओके, और ये मार्बल है, मार्बल के ऊपर में चलते गले तो ठंडे लगता है, इसीलिए आपको झूठ के ऊपर में चलेगा तो ठंडे नहीं रहेगा। अच्छा, और ये झूठ और कॉटन दोनों मिक्स रखा है गर्मी के लिए, गर्मी के लिए। पैर पे हम लोग का फसिंग आता है, सब पलेगा। अच्छा, बाद में थोड़ा। क्या पैसे हैं इसके, एक बार बताओ? ये आपको 200 रुपए का, ऑल साइज, ऑल डिजाइन, लेडीज जेंट्स कोई भी ले सकता है। अच्छा, लेडीज जेंट्स दोनों है आपके पास? अच्छा, ये वाली जेंट्स की है इधर जो रखते हैं। अच्छा, ये जेंट्स की है। भैया, पहले तो इस अपनी कंपनी के बारे में बताओ जो ये सब बनाते हैं। हमारा एक एनजीओ है पावर ट्रस्ट, जो दिव्यांग और ब्लाइंड लोग और महिला जो होती हैं वो सारे सब चीज़ें प्रोडक्ट बनाती हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे वॉलेट है और डोल है, ठीक है, किचन है, पाउच है, सब ये हमारे यहाँ विकलांग लोग, सारे विकलांग लोग और जो है वो बनाते हैं। सामने हैं उनका, आप लोग ऑर्डर पर भी काम करते हैं। तो एक बार एक छोटा सा प्राइस बताओ इस बैग का क्या है? 100। ये 100 रुपये का है। अच्छा, ये सारा हैंडमेड ही है ना? हाँ जी। और ये तोरण है, ये किस काम आता है? ये बंधन वाला जो गेट पे लगाते हैं, जिसे ऊपर लगा हुआ ना ये। ठीक, इस तरीके से। इसका क्या प्राइस है? 250 है वो, 250 रुपीस। ये 150 का प्लान टेबल नोट पैड है, हेलमेट सीट है, ये इसके अंदर सीट डला हुआ है, जिससे आप अंदर का ये पेज खत्म हो जाए तो इसके अपने गमले में या गार्डन में कहीं डालोगे तो उससे प्लांट आएगा, पौधा आएगा। अच्छा, मतलब ये एक तरीके की नोटबुक है, अगर इसको डाल दूंगा तो प्लांट उगना शुरू हो जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं। इसका क्या प्राइस है? 150। इसका 150। हाँ, ये हैंडमेड सीड है ना, गल जाता है। अच्छा, और ये ये छोटा है, वो बड़ा है। और इसमें भी प्लांट ही आएगा? नहीं, इसमें प्लांट नहीं है। अच्छा, इसमें प्लांट नहीं है। ये क्या प्राइस है इसका? 100 रुपीज़। ये 100 रुपीज़, ठीक है। जैसे ये वॉलेट है, पहले जो गाने चलते थे ना कैसेट की, जो अंदर की टेप होती थी, उससे ये खड्डी वाले लूम पे बीप करके फिर ये वॉलेट बनाया है। बहुत नाइस। ठीक। अपना नाम बताइए अंकल जी। मोहित्याग। अच्छा, आप ये सारा कुछ हैंडमेड है? सारा का सारा हैंडमेड है, मैं अपना काम करता हूँ, बोन हैंडीक्राफ्ट का काम करता हूँ। अच्छा, तो एक बार थोड़ा सा दिखाइए कुछ। अच्छा, कार्विंग वगैरह करता हूँ। ओके, क्या ये किसके सीम का है? ये कैमल बोन है। कैमल बोन है। इसकी हम घिसाई करते हैं, हम कटाई करते हैं, बहुत मेहनत से बनता है ये। अच्छा, हाँ। और क्या प्राइस का है ये? कम से कम 500 रुपये का पीस है। ये 500 रुपये का पीस है, मतलब एक तरीके कड़ाई है ये। हाँ, ये कड़ा है पहनने वाला पर। अच्छा, वही पीतल का हम कराते हैं काम। अच्छा, पीतल का काम है सारा का सारा।
ये स्टोन लगा हुआ है जयपुरी। ओके, जयपुरी स्टोन है ये। जयपुरी स्टोन लगा हुआ है ये। अच्छा, नीचे काम सारा हमारा है। ये हाथ का है सारा काम, का ये सारे डिजाइन जो आपने बनाए हैं ये सब हाथ का काम है हमारा। नेशनल वाड़ी हूँ मैं। अच्छा, और ये भी बोन का है? ये बोन का है। अच्छा, ये भी बोन है, ये भी बोन है, इनको भी करते हैं लोग कलर करके बनाते हैं। ये भी बोन है, कैमल बोन। कैमल बोन है, कैमल। जितनी भी आपके पास मोस्ट सारी कैमल बोन है? कैमल बोन है, और वैसे अलग वैसे अलग है, लाके बनाते हैं हम। इसका क्या, ये भी कैमल बोन है? ये भी कैमल बोन है। क्या प्राइस है इसका? 300। ये 300 रुपये का पीस है। और ये? ये भी 200 रुपये का पीस है। ये 200 का पीस है। अच्छा, तो आप आओगे तो अंकल जी से एक बार मिलिएगा जरूर, अगर किसी को हड्डियों का शौक है तो। सामने देखते हैं कई सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आप आके शॉपिंग भी कर सकते हैं, और सब कुछ हैंडमेड है यहाँ पे। देखते हैं सारे की सारी ईयरिंग्स हैं, अगर किसी को शॉपिंग करनी है, हैंडमेड ईयरिंग्स लेनी है तो यहाँ पे आ सकते हैं। अभी बहुत रीजनेबल प्राइस में गवर्नमेंट की तरफ और इनकी तरफ से डिस्काउंटेड दिए जा रहे हैं। डिस्काउंट तो दिए ही जा रहे हैं ना अभी? जी भैया, डिस्काउंट मिलेगा आपको, 20% डिस्काउंट मिलेगा। अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है। वैसे अगर बाहर से लेते हैं आपसे ही तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, है ना? हमारे अपने डिजाइन होते हैं। मैंने जी अपने डिजाइन से। अच्छा, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत सारी यूनिक आइटम्स रखे हैं जो कि ले सकते हैं आप आकर यहाँ पे। और जो जो इसके अंदर छोटी मोटी दुकानें थी, जो भी शॉप्स थे, वो मैंने आपको दिखा दी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई को पूछना है तो कमेंट में कुछ पूछ सकते हैं। जिन जिन के नंबर दिए हैं आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अगर इनकेस आपको और चाहिए हो मटेरियल तो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर यूँ ही बने रहना। मैं हूँ गोविंद और आप देख रहे हैं वैसे टीवी।